हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू सबियास लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। बहुत सारे लोग वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग घर में होंगे। तो उन सब के लिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ तुर्की इस्तांबुल की, जो बहुत पहले मैंने, हालांकि हमने बहुत पहले विजिट किया था और कुछ वजहों की वजह से मैं वो वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। तो शुरू करते हैं ये हमारी जर्नी जो बहुत ही खूबसूरत है, इस्तांबुल और कैपेडोल। हमारा सफर शुरू हुआ अबू धाबी एयरपोर्ट से, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं ऑब्वियसली। तो वहाँ से हमारा सफर स्टार्ट हुआ, हमने अबू धाबी से फ्लाइट ली और हम पहुँचे सबिया गोकचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो है एशियन साइड, इस्तांबुल का एशियन साइड पे एक एयरपोर्ट है जहाँ पे हम पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने सोचा चलो अब हम होटल जाके आराम करेंगे, बहुत थक गए थे। तो लेकिन वहाँ मेरे लिए एक सरप्राइज़ था ऑब्वियसली, जो मेरे हस्बैंड ने ये किया था, प्लान किया था, क्योंकि दूसरे दिन मेरा और मेरे हस्बैंड का साथ में बर्थडे है। तो वहाँ जाके पता चला कि हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम वहीं पे से डोमेस्टिक फ्लाइट लेके कैपेडोकिया जा रहे हैं। तो हमने वहाँ ऑब्वियस है जब टाइम है और मैं फूडी, आपको पता है, तो खाना तो ज़रूर ट्राई करूँगी। तो हमने वहाँ पे वहाँ का लोकल खाना ट्राई किया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए। तो उस वक्त तो चल रहा था फीफा वर्ल्ड कप और ऑब्वियस है सारे हस्बैंड्स इसी में बिजी है और ये मेरे हस्बैंड भी ऑब्वियस वही देखते बैठे हैं। हम पहुंचे हमारे होटल और ये हमारा रूम था जो पूरा केव के मॉडल में बना हुआ था। सो सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग में उठे, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हमको इतना फ्रीजिंग में हमने ये वीडियो बनाया है, पूरे ठंडे ठंडे हो चुके थे हाथ सबके। और ये मेरी बेटी ने वीडियो बनाया था, बहुत ही ठंडा था, लेकिन जो सीन था ना उसके आगे ठंडी बिल्कुल गायब हो गई थी। तो वहाँ की हमने उस दिन बहुत खूबसूरत चीज़ें देखी। तो सबसे पहले हमारा टूर शुरू हुआ था, हमने सबसे पहले देखा फेरी चिमनीज और फोर्ट, वहाँ का फोर्ट था जहाँ पे हम नहीं जा पाए। लेकिन ये फेरी चिमनीज कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है, पहले यहाँ लोग रहते थे, बाकायदा लोग रहते थे इस चिमनीज में। तो ऐसे बहुत सारी चिमनीज है वहाँ पे और ओपन एयर म्यूज़ियम है, जो आप आगे की जर्नी में हमारे देखेंगे कि हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत कुछ साल पहले लोग रहते थे और अब वहाँ पे पूरी उन्होंने ओपन एयर म्यूज़ियम बना दिया और कुछ डिस्ट्रॉय हो गए थे जो अर्थक्वेक की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह ही है। इसके बाद हम पहुँचे पिजन वैली में, जहाँ से इसका व्यू, जो पहाड़ी इलाकों का जो पूरा व्यू था ना उनकी चिमनीज का वगैरह का, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। अंडरग्राउंड सिटीज़, लिटरली ये सिटीज़ इतनी, मतलब ये है वहाँ पे तकरीबन 200 सिटीज़ ऐसी है कैपेडोकिया में जो अंडरग्राउंड है। तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते कि कुछ साल पहले लोग यहाँ ऐसी जगहों पे रहते थे। लिटरली बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग, उन लोगों ने इतनी बारीकी से हर चीज़ डिटेलिंग के ऊपर, मतलब इतनी बारीकी से वो लोगों ने हर चीज़ का ध्यान रखा था, ड्रेनेज सिस्टम और एयर का सिस्टम, कुकिंग का अलग एरिया, मतलब लोग कैसे रहते थे और कैसे सोचते थे यार, बहुत ही खूबसूरत मंजर था हमारे, मेरे लिए खासकर। आई डोंट नो दूसरे लोगों के लिए, लेकिन मुझे बहुत ऐसी चीज़ें बहुत फैसिनेट करती है। हम पहुंच गए फैक्ट्री में, बहुत ही खूबसूरत कारीगरी थी पॉटरी की और बहुत ही, मतलब ना, आला का किस्म के वहाँ पे पॉट्स वगैरह रखे थे और कॉस्टली भी थे। अगर आप बाहर लेते हो तो बहुत ही चीप रेट में मिल जाते, लेकिन अगर वहाँ से खरीदते हो तो बहुत महंगे हैं, लेकिन रियल में बहुत ही अच्छी कारीगरी थी। और वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि शादी से पहले किसी भी लड़की को पॉटरी आना चाहिए, मास्टर होना चाहिए उसमें। तो अगर वो पॉटरी में मास्टर नहीं है तो वो उसकी शादी नहीं हो सकती। अंडरग्राउंड सिटी जिसमें शिफा को और फहद को और आपको घबराहट हो रही थी, और आपको घबराहट हो रही थी हमको। उसके बाद हम ये आए थे ये सेरेमिक सेंटर में, जहाँ पे
फहद ने बहुत ही खूबसूरत पॉट बनाया। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? लंच पे जा रहे हैं, राइट। उसके बाद हम गए खाना खाने। तो अभी आ गए हम खाना खाने। ये टूर की तरफ से ही हमारे लिए खाना था लंच टाइम का। तो अभी फिलहाल तो ये एपेटाइजर है हमारे सामने। और मैंने जो खाने का डिस्क्रिप्शन आपको दिया है वो देखिए कि किस तरह से, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई आपको। खाना बहुत ही लाजवाब। हम और एक ओपन एयर म्यूज़ियम में गए जहाँ लोग रहते थे कुछ साल पहले, और जो भूकंप की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन वो उन्होंने अभी एज अ म्यूज़ियम रखा हुआ है। लेकिन वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसके फ़ोटोज़ आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे मेरे। उसके बाद हम और एक ओपन एयर म्यूज़ियम में गए हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे मतलब इतना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बहुत अच्छी हालत में है। तो ऐसे काफ़ी ओपन एयर म्यूज़ियम हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, और अपने लिए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने अपने ट्रेडिशनल शॉप्स भी है, जैसे एज यूजुअल सब दूसरी जगहों पर होते हैं वैसे उधर भी है उनके पास, तो आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी जगह थी जाके आने के लिए। हमारे पास और टाइम होता तो मैं हम लोग और एक्सप्लोर करते, लेकिन आज के लिए यहीं तक। फिर हम चले गए वहाँ की टर्किश डिलाइट चेक करने के लिए, और हमने वहाँ से कुछ डिलाइट्स भी खरीदी। और उसके बाद हम पहुँचे हमारे टाउन जहाँ पे हम रुके थे, और उसका थोड़ा सा व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे हमारे शिमला, मनाली, कुल्लू वगैरह में जो ये रहते हैं ना टाउन, नॉर्मली जो हिल स्टेशन पे रहते हैं, वैसे ये टाउन है जहाँ पे सारे होटल्स वगैरह हैं, जहाँ पे आप रहने के लिए अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं। तो आज ये हमारा पहला दिन है। अब हर दिन की अलग अलग वीडियोज़ मैं आपको अपलोड करूँगी। तो बताइए कि आपको सबसे अच्छी कौन सी वीडियो लगी।